बैक टू स्कूल डिस्कशन हम कर रहे हैं. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दिस वन. दिस इज अवर टॉपिक प्रोटॉन कपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रा दैट इज कॉल्ड एज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन 13 सीक्वेंस. इसका मीनिंग क्या है हम समझते हैं और बहुत इजी है समझने के लिए. हमने इससे पहले लेक्चर्स में देखा है कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं कार्बन 13 के वो इट इज वेरी सिमिलर टू प्रोटॉन एनएमआर. सिर्फ फर्क क्या होता है, इसकी स्केल बहुत बड़ी होती है, 220 0 टू 220 होती है, 0 टू 220. व्हाइल प्रोटॉन स्केल कितनी होती है, 0 टू 12 होती है, समटाइम 12 होती है, 10 होती है, नॉट मोर देन. ओके, देन और क्या होता है इसका मैग्नेटोगायरिक रेशियो जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन. ये बात याद रखिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रम जो आता है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है गिवन स्पेक्ट्रम में कि आपके मॉलिक्यूल में कितने टाइप्स के कार्बन है. अब हम उसकी एग्जांपल लेते हैं. आप बताइए कि नाइट्रोइथेन, अगर आप इमेजिन करते हो नाइट्रोइथेन, तो उसमें कितने कितने सेट ऑफ प्रोटॉन्स है, दो सेट ऑफ प्रोटॉन्स है ना, CH3 CH2, और उसमें दो ही कार्बन है, इसलिए देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन. इफ यू थिंक अबाउट बेंजीन, अगर आप बेंजीन को इमेजिन करते हो तो बेंजीन का अगर आप स्पेक्ट्रम लेते हो, अगर आप बेंजीन का सैंपल लेते हो 20 mg NMR ट्यूब में, उसमें TMS एज ए इंटरनल रेफरेंस डालते हो जो कि लिक्विड होता है, और उसमें फिर थोड़ा सा CDCl3 डालते हो एज ए सॉल्वेंट, और आप उसका NMR इंस्ट्रूमेंट में उसको सबमिट करते हो. जब वहाँ पर टेक्नीशियन जो होता है या जो भी पर्टिकुलर पर्सन होता है वो उसको प्रोसेस करता है, वो NMR ट्यूब को NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखता है और फिर वो प्रोसेस सॉल्व होता है और आपके सामने स्पेक्ट्रम आता है. प्रिंट आप लेते हो और उसके बाद में आप देखते हो कि बेंजीन ने कितने सिग्नल्स दिया है स्पेक्ट्रम में. यस, कितने सिग्नल देगा बेंजीन स्पेक्ट्रम में प्रोटॉन NMR की. Yes, फरहा, only one signal. Why? Because all protons are same. Similarly, what you expect for the carbon 13 spectra, वो भी एक ही आएगा क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टाइप के कार्बन है. Because why? अब हम कैसे मालूम करेंगे कि एक ही टाइप के कार्बन है? आपको आपके पास दो मेथड है. एक तो मेथड है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यूज करके. एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमको पता है पांच होते हैं, उसमें से हम क्या यूज करते हैं, उसमें से हम यूज करते हैं सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका कंपाउंड, आपके कंपाउंड में जितने प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेंगे उतना आपका कंपाउंड सिमेट्रिक रहेगा, और उसका मतलब ये कि उसमें उतने कम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन में, बेंजीन को आप इमेजिन करो, उसको आप वर्टिकली कट कर सकते हो इक्वल पार्ट्स में, उसको हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हो, और आपको मालूम होगा कि बेंजीन को आप डायगोनली भी कट कर सकते हो. तो आप डायगोनली जब कट करोगे तो दो ऐसे क्रॉस आएंगे लाइक जस्ट लाइक एक्स बेंजीन पे, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. तो आप देखोगे कि जब आप उसको इक्वली डिवाइड करते हो, इसका मतलब उसमें एक ही टाइप का कार्बन है. ये इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है लगता है इसके लिए. उसके लिए और एक सिंपल आइडिया ये है कि आपको अगर ये मालूम करना है कि कितने टाइप्स के कार्बन हैं, तो बेस्ट मेथड ये है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसमें क्या होता है कि आप कार्बन पर का प्रोटॉन रिप्लेस करो कोई एटम से, हैलोजन से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, और आपको जो नाम मिलेंगे IUPAC नेम, अगर सेम आया तो वो सेम कार्बन है, अगर डिफरेंट आया तो डिफरेंट कार्बन है, हम ऐसा समझते हैं. ठीक है, ये हमने बिल्कुल प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन के स्पेक्ट्रा होते हैं उतने ही कार्बन के होते हैं, ये हमको समझना है. ठीक है, यस. देखिए
ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं ताकि आपको ये पढ़ना है और समझना है. देखिए, आई रीड आउट. अनलेस अ मॉलिक्यूल इज आर्टिफिशियली एनरिच्ड बाय सिंथेसिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टू कार्बन 13 एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल इज लो. ये सेंटेंस का मीनिंग ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में इट इज नॉट पॉसिबल कि दो कार्बन 13 के एटम्स एक दूसरे को डायरेक्टली बॉन्डेड रहे, इम्पॉसिबल है तेरा. ओके, लो कहा मीन्स चांसेस आर देयर, लेकिन कब चांसेस है, जब तक उसको आप आर्टिफिशियली खुद नहीं बनाते लैब में. अगर आप कार्बन 13 के ही एटम्स लेकर अगर लैब में कुछ सिंथेसिस कर सकते हो तो आर्टिफिशियली इट इज पॉसिबल, नेचर में पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल? यस, इन्वॉल्व, यू कैन इन्वॉल्व, बिकॉज कार्बन 13 का जो नेचुरल अबंडेंस है वो 1% होता है, 1.09% या 1.08%, इट्स वेरी वेरी लो अबंडेंस. इसीलिए दो कार्बन 13 एटम्स एक दूसरे को कभी भी बॉन्डेड नहीं रहते. तो इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टू कार्बन 13 एटम्स एडजेसेंट टू ईच अदर इन द सेम मॉलिक्यूल इज इवन लोअर. देख लीजिए, दो सेंटेंस है. एक सेंटेंस तो ये है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल में कार्बन 13 मिलना, इसकी बहुत 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 पॉसिबिलिटी कम है. जैसे कि बेंजीन एक मॉलिक्यूल है. अब बेंजीन में कार्बन 13 कितने हो सकते हैं? नहीं के बराबर. क्यों? क्योंकि उसका परसेंट 1% होता है, और यानी 100 कार्बन रहेंगे तो एक कार्बन रहेगा, लेकिन बेंजीन में 6 कार्बन है. इसका मतलब यह है कि बेंजीन में कार्बन 13 का एटम मिलना मुश्किल है. फिर कार्बन 13 एटम कब मिलेगा? जब आप बेंजीन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगर मुझे बताइए, अगर बेंजीन के आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए तो टोटल कार्बन कितने होंगे 10 मॉलिक्यूल बेंजीन के? बोलो. यस, 10 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन कंटेन हाउ मेनी कार्बन तस्लीमा? 60 कार्बन. तो क्या 60 कार्बन में मिलने के चांसेस कार्बन 13 के? बहुत कम है, चांसेस कम है. तो अगर और मैं क्या करता हूँ, 5 मॉलिक्यूल और ऐड करता हूँ, 15 मॉलिक्यूल लिया तो अभी 90 कार्बन हो गए. और मैं एक ऐड करता हूँ, 16 लिया तो अभी 96 हो गए. हाँ, अब थोड़ा चांस हो गया ज्यादा. इसका मतलब आप समझो बात को, यानी कि अगर इसका मतलब है कि आप 100 एटम्स कार्बन के रहेंगे किसी मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, तब उसमें एक कार्बन 13 के चांसेस है. एक से इतने मॉलिक्यूल्स, 15-20 मॉलिक्यूल. मुझे बताइए, अगर मैं नाइट्रोइथेन लेता हूँ, नाइट्रोइथेन इमेजिन करो सब लोग, अगर हम नाइट्रोइथेन के कितने मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा कि एक कार्बन 13 मिले? यस, एनीवन फ्रॉम यू प्रीति अगर है तो, प्रीति रेवती, यस नेहा, नाइट्रोइथेन के कितने मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा हमको कि उसमें हमको एक कार्बन 13 मिले? यस, 50 लेना पड़ेगा. राइट, वेरी गुड. 50, वी हैव टू टेक 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोइथेन. यस, 50, 50, 50, समझ में आ रही बात? तो यानी कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन 13 मिलना ही मुश्किल है अगर उसमें 100 कार्बन नहीं है. तो आप बताइए कि दो कार्बन 13 एटम एडजेसेंट एक दूसरे को, यानी एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन 13, ये पॉसिबल है कि? ये तो इसकी तो और लो गारंटी है, मींस वेरी वेरी लेस गारंटी. बराबर है? देयरफॉर मेरी पॉइंट समझ में आया, व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, कि दो कार्बन 13 एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हो एक दूसरे को, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? फिर इसकी रेयर पॉसिबिलिटी है. बराबर है ना? इसकी रेयर पॉसिबिलिटी है. एक कार्बन 13 मिलना ही मुश्किल है, तो दो कार्बन 13 और वो भी एक दूसरे को एडजेसेंट, इट इज नॉट पॉसिबल. हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको समझना है ये स्पिन स्प्लिटिंग समझना है कार्बन 13 के बारे में. अगर देखिए, अगर कार्बन 13 एक दूसरे को डायरेक्टली बॉन्डेड रहते हैं और वो दोनों अलग अलग है, तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो नाइट्रोइथेन, तो नाइट्रोइथेन में क्या दोनों कितने सेट ऑफ प्रोटॉन्स है? यस, दो सेट ऑफ प्रोटॉन्स है. तो टू सेट्स ऑफ प्रोटॉन आर दे सेम? दे आर नॉट सेम. एंड देयरफॉर इन नाइट्रोइथेन फॉर एग्जांपल CH2 का जो प्रोटॉन है वो CH3 के प्रोटॉन से अलग है, इसलिए उससे कपल होता है.
और हमको स्प्लिटिंग मिलती है एन प्लस वन रूल से, हमको ये पता है। सिमिलरली अगर वो नाइट्रोइथेन में जो दो कार्बन है, अगर वो कार्बन 13 है, समझिए कार्बन 13 है, तो उनमें भी कपलिंग के चांसेस है, 100% चांसेस आर देयर, क्योंकि दो अलग अलग कार्बन है और कार्बन जस्ट लाइक सी एच टू सी एच थ्री अलग अलग है, तो दो अलग अलग कार्बन है इसलिए उनमें भी चांसेस है। लेकिन दो कार्बन 13 एक दूसरे को कनेक्टेड है ना, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल नहीं के हो नहीं सकता है। इसीलिए जब अगर कार्बन 13 अगर कपलिंग होते हैं और बाद में सिग्नल स्प्लिट होते हैं, उसे कहते हैं होमोन्यूक्लियर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और होमोन्यूक्लियर स्पिन स्पिन कपलिंग, जैसे कि प्रोटॉन में होता है, लेकिन कार्बन 13 में वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए होमोन्यूक्लियर कार्बन 13 स्प्लिटिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट ऑल। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर किसी मॉलिक्यूल का हमको एनएमआर कार्बन 13 स्पेक्ट्रम लेना है, तो हमको स्पेक्ट्रम तो मिलेगा, उसमें स्प्लिटिंग सिग्नल्स स्प्लिट भी होंगे पीक्स, लेकिन उसमें से कोई भी होमोन्यूक्लियर नहीं रहेगा, तो फिर क्या रहेगा, हेट्रोन्यूक्लियर रहेगा। कार्बन 13 दो एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसे रह नहीं सकते कि वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो या एडजेसेंट टू ईच अदर। देयरफॉर होमोन्यूक्लियर स्प्लिटिंग इन कार्बन 13 स्पेक्ट्रम इज टोटली व्हाट अवॉइडेड, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो कार्बन होता है उसको जो प्रोटॉन अटैच्ड होते हैं, जो कार्बन 13 होता है उसको जो प्रोटॉन अटैच होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं, याद रखिए वन बॉन्ड डिस्टेंस, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन्स की स्पिन और कार्बन 13 की स्पिन वो इंटरैक्ट होती है, ओके, इंटरैक्ट विद द स्पिन ऑफ कार्बन एंड कॉज अ कार्बन सिग्नल टू बी स्प्लिट अकॉर्डिंग टू एन प्लस वन। यानी कि हम देखेंगे, मुझे बताइए आप कि ऐसे कितने ग्रुप्स हैं, हमने कहा था ग्रुप्स कितने पॉसिबल हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, बोलो, यस, देर आर ओनली थ्री ग्रुप्स पॉसिबल, CH3 ग्रुप, देन CH2 ग्रुप, CH2 एंड CH, यस, ओनली थ्री ग्रुप्स आर पॉसिबल। तो बस थ्री ग्रुप से ही, अगर ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, उसमें तीन ही ग्रुप्स मिलेंगे जिसमें कार्बन को क्या अटैच्ड होता है, कार्बन को हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, याद रखिए। फिर और ये तो तीन, यानी हमारे पास तीन टाइप के कार्बन हो सकते हैं, एक CH वाला कार्बन, एक CH2 वाला कार्बन और एक CH3 वाला कार्बन, हमारे पास तीन तरह के कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। अगर CH वाला कार्बन है मॉलिक्यूल में, तो वो कार्बन CH जो है वो कार्बन उस एक एच से इंटरेक्ट होगा दोनों की स्पिन और एन प्लस वन रूल से स्प्लिट होगा, तो बताइए वो CH का सिग्नल कितने इसमें स्प्लिट होगा एन प्लस वन रूल से, क्या देगा बोलो, अगर एक ही हाइड्रोजन है वहां पे उस कार्बन पे, बोलिए, एन प्लस वन रूल, वो देगा डबलेट, एन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन डायरेक्टली बॉन्डेड टू दैट कार्बन, इसका मीनिंग ये होता है। सो CH कैसे स्प्लिट होगा बोलो, डबलेट में, सिंगलेट में, क्वार्टेट में, ट्रिपलेट में, यस बोलिए ऑल ऑफ यू। अगर CH है CH सिग्नल, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NO2 नाइट्रोइथेन है, आप बताइए नाइट्रोइथेन का प्रोटॉन NMR का स्प्लिटिंग बोलिए, चलिए फास्ट कितने सिग्नल्स मिलेंगे और उसकी मल्टीप्लिसिटी बोलिए, Yes, anyone from you? दो सिग्नल मिलेंगे। Yes, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होंगी दोनों की, एक की क्या होंगी बोलो? एक में क्वाड्रेट मिलेगा, एक में ट्रिपलेट मिलेगा। Very nice, excellent, that's 100% right. अब हमको कार्बन 13 स्पेक्ट्रम लेना है उसी का, you are getting my point? Yes. हमको कार्बन 13 लेना है उसी का नाइट्रोइथेन का, तो कार्बन 13 में कितने सिग्नल्स मिलेंगे पहले ये बोलिए, नाइट्रोइथेन के जितने उसमें टाइप्स के कार्बन है, तो नाइट्रोइथेन में कितने टाइप्स के कार्बन है बोलो, बोलो टू, तो दो सिग्नल्स मिलेंगे, वेरी गुड। अब वो स्प्लिट कैसे होंगे, तो CH2 कैसे स्प्लिट होगा, CH2 स्प्लिट होगा N+1 रूल से, तो N क्या है,
number of protons directly bonded to that. Okay, 1 minute. Yes. Okay, let us resume our discussion. Now, fine. See, so अगर हम कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ऑफ नाइट्रोइथेन लेते हैं, इमेजिन करो उसको नाइट्रोइथेन को, तो हमको पता है उसमें दो ही टाइप के कार्बन है, CH2 और CH3। अब वो दो ही सिग्नल्स मिलेंगे, लेकिन एक सिग्नल कैसे स्प्लिट होगा? CH2 स्प्लिट होगा, CH3 स्प्लिट होगा, तो CH2N+1 रूल से स्प्लिट होगा। तो CH2 को अगर आप देखते हो तो जो CH2 का जो कार्बन है वो समझिए कार्बन 13 है, तो वो कार्बन 13 कैसे स्प्लिट होगा? N+1 रूल से। तो यहाँ पर N क्या है? यहाँ पे N लेंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो डायरेक्टली बॉन्डेड है उस CH2 को। तो बोलिए CH2 का सिग्नल कैसे स्प्लिट होगा? कितने सिग्नल, कितने मल्टीप्लिसिटी का होंगी उसकी? यस, बोलिए। कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? ट्रिपलेट होंगे, वेरी गुड। यस सर। और CH3 का जो सिग्नल है नाइट्रोइथेन में, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होंगी? N+1 रूल से क्वाड्रेट। दैट्स ऑल, क्वाड्रेट। और ऐसे ही होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हेटरोन्यूक्लियर कपलिंग। व्हाट इज हेटरोन्यूक्लियर कपलिंग? द कपलिंग बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, okay, which are directly bonded to each other. This is called as heteronuclear. This involves two different types of atoms. One is a hydrogen, another is carbon. Okay. Next point for them. Okay, if you see about with carbon 13 NMC NMR, carbon 13 NMR, we generally examine. हम क्या examine करते हैं? Splitting that arises from the protons directly attached to the carbon atoms being studied. हमको सिर्फ वही सिग्नल लेना होता है जो कि कार्बन को स्प्लिटिंग, वही हमको मालूम होती है जिसमें कार्बन को जो डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन होता है उसे कहते हैं वन बॉन्ड कपलिंग। दैट इज कॉल्ड एज वन बॉन्ड कपलिंग। देखिए उसे कहते हैं वन बॉन्ड कपलिंग, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट इन प्रोटॉन एनएमआर द मोस्ट कॉमन स्प्लिटिंग आर होमोन्यूक्लियर, हमने पढ़ा है, दैट इज द कपलिंग बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड इट ऑकर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, राइट? ओके, तो कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में जो स्प्लिटिंग हो रही है वो वन बॉन्ड स्प्लिटिंग है, वन बॉन्ड कपलिंग है, और प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में जो स्प्लिटिंग हो रही है होमोन्यूक्लियर है और वो थ्री बॉन्ड होती है, याद रखिए। दैट इज व्हाट, थ्री बॉन्ड, 3G कपलिंग बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। होप यू गॉट इट। फिर हम देखेंगे कि फिगर 4.3 में हमको क्या सीखने को मिलता है। देखिए फिगर 4.3 इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन्स डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन 13 एटम। द N+1 रूल predicts the degree of splitting in each case. अभी हमने जो बात की वही N plus rule से हमें मालूम कर सकते हैं कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में अगर कहीं पर ट्रिपलेट आ रहा है, अगर कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में अगर ट्रिपलेट आता है, वो ट्रिपलेट का मतलब ये कि कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? बोलिए, CH3 है, CH2 है, CH है, CH2, yes, CH2 है। और अगर कोई सिग्नल फोर लाइंस में स्प्लिट हुआ, उसको ऐसा भी बोलते हैं, सिग्नल्स स्प्लिट इन फोर लाइंस, है ना, क्वार्टेट बोलते हैं। इसका मतलब वो कार्बन 13 की बात हुई, अब हम प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, कार्बन 13। तो बताइए वो स्पेक्ट्रम जिसमें, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें हमको चार लाइंस मिलती है, चार लाइंस मीन्स वो स्प्लिटेड है, याद रखिए, वो सिग्नल चार लाइंस में स्प्लिट हुआ, तो आप बताइए वो सिग्नल जो चार लाइन में स्प्लिट हुआ तो वो सिग्नल कौन से ग्रुप का था? CH3। बोलो,
CH3 ग्रुप का था, तो ये आपको याद आना चाहिए. यस इट इज CH3, वेरी गुड. तो n प्लस वन रूल से हम देखते हैं कि CH3 चार लाइंस देता है, n प्लस वन रूल से देखते हैं कि CH2 थ्री लाइंस देता है ट्रिपलेट, और हम देखते हैं n प्लस वन रूल से कि CH क्या देता है, टू लाइंस देता है. और अगर ऐसा कार्बन हो, यस, और ऐसा डबलेट CH क्या देगा, डबल, ऐसा कार्बन जिसको हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या वो सिग्नल देगा कार्बन 13 में? यस, वो n प्लस रूल से ही सिग्नल देगा, n प्लस वन रूल से. लेकिन क्या कैसे आएगा सिग्नल, उसका स्प्लिट आएगा कि सिंगल आएगा सिग्नल, ऐसे सिंगलेट आएगा, सिंगल आएगा ना सर, सिंगल. हाँ वेरी गुड. क्या आप ऐसे कार्बन के एग्जांपल दे सकते हो कि जो कार्बन 13 में हमेशा सिंगलेट देगा? 0 टू 220 तक जाओ, आप सोचो ऐसे कौन से कार्बन है जो हमने देखे हैं, ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं कि जिसमें हमने देखा है कि कार्बन 13 या ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है लेकिन वो पीक्स देता है, तो कौन से कार्बन है बोलिए, बोल सकते हैं सर? साइनाइड. वेरी नाइस, साइनाइड है जो कि हमको कहाँ देता है, वो एरोमेटिक के ऊपर थोड़ा रेंज भी देता है. और कौन सा है बोलिए, कार्बोनिल के कार्बन है, राइट? कार्बोनिल कार्बन, वो तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं रहता, वो हमेशा सिंगलेट देगा, याद रखिए हमेशा सिंगलेट. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. अच्छा यहाँ देखते हैं, और ये के द पॉसिबल स्पिन कॉम्बिनेशन फॉर द थ्री प्रोटॉन्स आर द सेम एज दोज इलस्ट्रेटेड इन 3.33. ये काहे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सी एच थ्री ग्रुप की बात हो रही है. एंड ईच स्पिन कॉम्बिनेशन इंटरैक्ट्स विद कार्बन टू गिव अ डिफरेंट पीक्स ऑफ द प्रोटॉन्स. सिंस द हाइड्रोजन्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन 13, जैसा वन बॉन्ड कपलिंग बोलते हैं हम, द कपलिंग कॉन्स्टेंट फॉर दिस इंटरेक्शन आर क्वाइट लार्ज. याद रखिए हमेशा याद रखिए, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कब ज्यादा होती है समझ लीजिए, जब उस वक्त बहुत ज्यादा होती है कार्बन 13 कपलिंग कांस्टेंट जे की वैल्यू, जब दो कपलिंग न्यूक्लियाई में, जब दो अलग अलग न्यूक्लियाई कपल हो गए, अलग अलग मीन्स एक प्रोटॉन का और एक कार्बन का, या सेम न्यूक्लियाई एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन का, ऐसा, तो अगर बॉन्ड डिस्टेंस कम है तो स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है और जे की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. और अगर बॉन्ड दूर दूर है, यानी थ्री बॉन्ड कपलिंग, थ्री जे कपलिंग, फोर जे कपलिंग, ये क्या है, ये पुअर कपलिंग होती है, हमने प्रोटॉन में देखा है, सिमिलर यहाँ आया चीज होगा. अभी सेंटेंस देखिए कि सिंस द हाइड्रोजन आर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन 13, देयर इज अ वन बॉन्ड कपलिंग, द कपलिंग कॉन्स्टेंट फॉर दिस इंटरेक्शन आर क्वाइट लार्ज with J value about 100 to, yes, 250 भी देखिए, इतनी J value जाती है, means बहुत ज़्यादा strong coupling होती है, क्योंकि 1J coupling. Compared to the typical 3 bond coupling that are common in NMR spectra, which have J values of about 1 to 20. देख लीजिए, इसमें आपको और एक point सीखने को मिला, कि कार्बन 13 और प्रोटॉन एनएमआर में क्या डिफरेंस है, स्केल का डिफरेंस तो है लेकिन जे वैल्यू का डिफरेंस क्या है बोलिए, कि होमो न्यूक्लियर कपलिंग जो होती है प्रोटॉन में उसकी रेंज क्या होती है, 1 टू 20 होती है, याद रखिए इसके ऊपर नहीं जाता है. लेकिन कार्बन 13 बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द हेट्रो न्यूक्लियर कपलिंग, देयरफॉर इट गोज टू, यस, वेरी लार्ज, 100 to 250 hertz, इतना ज्यादा. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वाइल एग्जामाइनिंग फिगर 4.3, अभी देखेंगे हम. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वाइल एग्जामिनिंग फिगर 4.3 दैट you are not seeing the protons directly when looking at a carbon 13 spectrum. इसका मतलब ये है कि proton resonance occur at frequencies outside the range used to obtain carbon 13 spectrum. You are observing only the effect of the proton on carbon 13 atoms
also remember that we cannot observe carbon 12 because it is in environment. देखिए इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि 4.3 में देखेंगे हम अभी के ये देखो ये इसमें 4.3 में कि ये जो क्वार्टेट मिले चार लाइंस मिले तो किसकी वजह से मिले हैं वो तीन प्रोटॉन्स थे और ये सी एच थ्री की वजह से मिले एन प्लस वन रूल लगता है कि हम तो हमारा डिस्कशन तो हो गया है समझो आपको ये सी एच थ्री क्यों आ रहे हैं ये दैट इज बिकॉज ऑफ सी एच टू कार्बन देयर इज टू प्रोटॉन्स लेकिन ये कार्बन कौन सा है ये कार्बन 13 है नॉट 12 याद रखो तो ये मिथेन में क्या मिलेंगे मिथेन में आपको वन प्रोटॉन है इसलिए डबलेट मिलेगा टू सिंगलेट और सिंगलेट कहाँ मिलेगा जब कार्बन को कोई भी प्रोटॉन नहीं होता है तब हमको क्या मिलते हैं यस सिंगलेट मिलता है और वो क्वार्टरनरी कार्बन होता है या वो कार्बोनिल कार्बन होता है याद रखें ठीक है उसका मीनिंग वही है स्पेक्ट्रा ऐसे स्पेक्ट्रा जो बताते हैं दैट शो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और कपलिंग बिटवीन कार्बन एंड प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच टू इट आर कॉल्ड एज प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा ये हमको टाइटल का मीनिंग अब मिला है ओके और क्या बोलते हैं उसको प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा ये देखो इसका नाम टाइटल का नाम है ना ये देखो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा इसका मतलब समझा भाई आपको कि ऐसे स्पेक्ट्रा जिनमें कार्बन 13 का न्यूक्लियस जो है या कार्बन 13 हम बोलेंगे वो कपल होता है किससे उन प्रोटॉन से जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उस कार्बन को ऐसे स्पेक्ट्रा को बोलते हैं हम प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम में फर्क मालूम कर लीजिए स्पेक्ट्रम इज अ सिंगुलर स्पेक्ट्रम इज प्लूरल मीन्स मोर देन वन कभी कभी इसको बोलते हैं नॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रम because it is a coupled spectrum okay? therefore it is also called as non decoupled spectrum figure 4.4 mein hum dekhenge ki proton coupled spectra carbon 13 spectrum of ethyl phenyl acetate ab aap bol sakte ho in this spectrum dekhenge hum ki quartet kaun deta hai aur kaisa deta hai hum dekhenge sir ye dekhiye for example ye see aapke samne ye proton coupled spectra aapko dikhai de raha hai yes now mujhe bataiye ki ye jo range hai ye range ये किस किस के प्रोटॉन्स किस किस की होंगे बोलिए यस ये जो रेंज रहेंगी ये सब sp3 हाइब्रिडाइज रहेंगे यस और नो यस इनमें के सब sp3 हाइब्रिडाइज रहेंगे समझ में आया ना क्यों क्योंकि ये से देखो यहाँ तक है ना यहाँ तक से देखिए मुझे बताइए इसमें कार्बन 13 कितने सिग्नल्स आएंगे पहले बोलिए पहले मुझे प्रोटॉन के बोल दीजिए आप इसमें कितने प्रोटॉन सिग्नल है ये बोलिए देखते हैं यस गुफरान इफ यू देयर नेहा फरहा रेवती प्रीति फोर क्या कार्बन प्रोटॉन की बात हो रही है प्रोटॉन फोर प्रोटॉन्स फोर टाइप्स ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सोच के बोलिए हेलो एक मिनट बोलिए बोलिए वो बात करो एमसी सर से बात करो क्योंकि मेरा लेक्चर शुरू है एमएससी उनका एक बार सर वो कॉल करो हाँ मेरा लेक्चर शुरू है नहीं तो बोल देता ठीक है कॉल ओके यस देखिए उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है एग्जाम में एमएससी का एग्जाम है आज लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रहा है Give me 1 minute. Teen sir. एक मिनट. Give me 1 minute. Okay. आप लोगों एग्जाम लिंक कहाँ पर आई थी? क्लासरूम पे. क्लासरूम
give me 1 minute. Yes, आप इसको बोलिए ना, आंसर दीजिए ना, इसमें कितने पिक्स मिलेंगे आपको? सिर्फ 4 टाइम्स की। Yes. बोलिए। सिर्फ 4 टाइप्स के? नो, नॉट 4 टाइप्स। यस बोलिए। 4 टाइप्स के नहीं रहेंगे इसमें। प्रोटॉन्स जो है ना, ये देखिए, ये एक टाइप पर रहेगा, ये दूसरा टाइप रहेगा, ये मुझे बताइए, दो CH2 सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे? अलग अलग है। अलग अलग है, वेरी गुड। तो तीन सेट्स ये हो गए हैं। तो एरोमेटिक को आप एक सेट नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली। एरोमेटिक जो है ना, क्योंकि देखिए आपको पता है ना ये कौन सा है, ऑर्थो, ऑर्थो है, तो ये CH2 के बाजू में ऑर्थो है। अब हमको अगर ये आपको एडे नहीं आ रहा, आप इसको सबको एक बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दैट इज नॉट पॉसिबल? व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन ये है कि आपको क्या करना है, एक एक सीएल लेना है। सीएल मुझे बताओ, यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स है? यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, ऐसे कितने प्रोटॉन्स है? 5 प्रोटॉन्स। आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये रिप्लेस करो, यहाँ पर सीएल लगा दो, तो क्या होगा नाम उसका? 2-क्लोरोफिनाइल ईस्टर, बराबर है, एम आई राइट? अगर हम इसको नंबर 1 देते हैं इस कार्बन को, यहाँ पर कौन से कार्बन को? ये बेंजीन के इस कार्बन को, जहाँ पर CH2 अटैक है। अगर मैं यहाँ कोई ग्रुप लगाता हूँ तो पोजिशन क्या आएंगी? 2nd आएंगी, बराबर। अगर यहाँ लगाता हूँ तो क्या आएंगी पोजिशन? 3 आएंगे। अगर यहाँ लगा तो 4 आएंगे, बराबर है? यस। यानी मैं यहाँ पर पहले यहाँ का H हटाया, यहाँ CL लगा दिया, तो ये 2 पोजीशन आ गई। फिर हमने वापस H लगा दिया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर का H हटाया, यहाँ पर CL लगाया, तो इधर से काउंट किया, 3 नंबर आई पोजीशन। फिर वापस मैंने लगा दिया H, फिर यहाँ का ऐसे ही किया सेम एक्सपेरिमेंट, तो ये 4 आएंगे। फिर यहाँ का हटा दिया, यहाँ पर H वापस लगा दिया। अब यहाँ का हटाया मैंने H, यहाँ पर CL लगाया, तो पोजीशन क्या आएंगी नंबर? 6 नहीं आएंगी, 2 आएंगी, IUPAC का रूल है वो, 2 आएंगी, क्योंकि आप ऐसा नंबरिंग दोगे, समझे ना? क्योंकि जिधर से जल्द से जल्द इजीली जो ग्रुप आ जाता है उसको क्या करोगे आप? उसको नंबरिंग दोगे, बराबर है? ओके ओके। और अगर यहाँ पर CL लगाया तो मैंने, इसको क्या पोजीशन आएंगी बोलिए, नंबर क्या आएगा इसको? 3 आएगा, वेरी वेरी गुड। और इसको क्या आएगा अगर यहाँ लगाया तो? 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक टाइप का प्रोटॉन ये है जिसमें 4 नंबर आ रहा है, एक टाइप का प्रोटॉन ये है जिसमें 3 नंबर आ रहा है, तो ये एक टाइप ये हो गई, दोनों मेटा की 11 की। और एक कौन सी हो गई? एक हो गई ये सेट हुआ जिसमें इधर से भी नंबर 2 आ रहा है, इधर से नंबर 2 आ रहा है। तो मुझे बताओ आप लोग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कितने पीक्स देगा? सिर्फ ये एरोमेटिक पीक्स प्रोटॉन NMR में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड लिख लो आप, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन गिव्स 3 पीक्स इन NMR। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? टेल मी। यस सर। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विल गिव 4 एक्स्ट्रा पीक्स, 4 पीक्स ऑफ द इन द NMR स्पेक्ट्रम। 4 बेंजीन से हो गए, सॉरी नॉट 4, 3, सॉरी 3। एक कौन सा? एक ये ऑर्थो का दोनों साइड की, एक मेटा का और एक पैरा का, 3 पीक्स। चौथा पीक ये रहेगा, पांचवा पीक ये रहेगा, छठा पीक ये रहेगा, तो टोटल कितने पीक्स हो गए? 6 पीक्स। आप स्टेटमेंट लिखो कि मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन गिव 3 पीक्स इन NMR स्पेक्ट्रम। अगर मैं बोलता हूँ नाइट्रो बेंजीन, तो कितने पीक देगा नाइट्रो बेंजीन? यस बोलो, 3 पीक्स। नाइट्रो बेंजीन विल प्रोड्यूस 3 पीक्स, समझा आपको आइडिया? यस। तो इसमें अब इसमें कितने पीक्स आएंगे टोटल कार्बन प्रोटॉन के? 6 पीक्स आएंगे। अब मुझे बताइए आप,
अब सिक्स पिक्स कार्बन थर्टीन प्रोटॉन क्या रहे, अब कार्बन थर्टीन के क्या आएंगे, ये छह तो रहेंगे ही, जहाँ पे कार्बन है ना, जहाँ पर प्रोटॉन है ना, ये इसका एक पिक रहेगा, इसका एक रहेगा दो, इसका एक तीन, और तीन इसके आएंगे एक दो तीन, और पिक्स आएंगे कार्बन के, यस कौन से, ये कार्बन कार्बन का आएगा, तो छह तो प्रोटॉन से आ गए जहाँ पर प्रोटॉन थे, सातवां पिक ये आ गया, और कौन सा आएगा, ये दिख रहा है कार्बन, ये जहाँ पर प्रोटॉन नहीं है वो भी कार्बन का एक पिक आएगा, तो कितने हो गए टोटल, कितने पिक्स हो गए कार्बन के, आठ पिक्स आएंगे, आठ पिक्स, समझे बात आपको, यस सुमित समझे नहीं समझे मुझे बोल, टोटल एट पिक्स कार्बन में आएंगे, कार्बन थर्टीन स्पेक्ट्रम, यही हमको सीखो, आपको एक ही मॉलिक्यूल लेना है, उसको पूरा अच्छे से सीखना है, दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड, तो टोटल आठ पिक्स आएंगे, दिस विल प्रोड्यूस आठ पिक्स इन व्हाट, इन द कपल प्रोटॉन कपल में आप स्प्लिटिंग करो, तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ये सब के सब ये आएंगे, देखो यहाँ ये रेंज, और ये कार्बोनिल कहाँ जाएगा, ये है कार्बोनिल, देख लो आप हायर वैल्यू, और ये दो और ये तीन, मुझे बताओ आप ये सबसे कार्बन 13 में सबसे कम किसकी सिग्नल, किसकी केमिकल शिफ्ट आएगी, सबसे कम वैल्यू बोलो, बोलिए, वो है CH3, वो है CH3 जिसकी बहुत कम पीक आएगी, और मुझे बोलो आप के उसके बाद में कौन सा CH2 आएगा, बोलो, ये CH2 आएगा, ये CH2 आएगा, ये वाला आएगा, क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच है, इसको नहीं है, ये दो कार्बन के बीच में, ये भी कार्बन, नहीं कार्बन, अब ये देखिए दो देखिए आप, आपको दो स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं, एक प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम, एक प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रम, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रम हमको कैसे मिलते हैं, दो तरह के मिलते हैं, एक कपल्ड और एक डिकपल्ड, कपल्ड यानी कि वो कार्बन जिसको प्रोटॉन अटैच्ड है वो प्रोटॉन को इंट्रैक्ट होता है, स्पिन स्पिन कपलिंग होता है, और फिर स्प्लिटिंग होता है एम प्लस वन रूल से, और एक होता है प्रोटॉन डिकपल्ड, इसमें क्या होता है कि कार्बन अपने प्रोटॉन से कभी भी कपल होता ही नहीं है, इट नेवर कपल विद इट्स प्रोटॉन, सिर्फ क्या देता है, एक ही सिग्नल देता है, जस्ट लाइक अ लाइंस, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये CH3 इससे कपल हो रहा है, तो ये आपको चार लाइन्स मिल रहा है, ये बाकी इंप्यूरिटीज होती है, ये चार लाइन्स मिल रहा है, उसी तरह ये CH2 कपल हो रहा है, तो ये तीन लाइन्स मिल रहा है CH2, उसी तरह ये CH2 सॉरी ये वाले जो है ना, ये CH2 की ये लाइन्स है ना एन प्लस वन रूल्स, और ये CH2 की तीन लाइन्स है, राइट, यस इस तरह कपल हो रहा है, उसके बाद में ये जो है कार्बोनिल, ये तो कपल नहीं होता है, तो ये इधर मिल रहा है, ये इंप्यूरिटीज है, ये इंप्यूरिटीज है, अब ये जो पूरा बंच मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसमें सब एरोमेटिक प्रोटॉन एरोमेटिक कार्बन है जो कि उनके प्रोटॉन से कपल होते हैं, और डबलेट ओके वहाँ पर पूरा बंच मिलता है, ये कपल्ड स्पेक्ट्रा है, लेकिन डिकपल्ड में क्या है, डिकपल्ड बोलता है कि CH3 सिर्फ एक सिग्नल देगा, इसके हाइड्रोजन से प्रोटॉन से कपल नहीं होगा, ये सिग्नल एक आ गया, ये CH2 भी एक ही देगा, कपल नहीं होगा इसके प्रोटॉन से दो से, इसलिए सिंगलेट आया, ये जितने भी है, देखिए अब ये जो बेंजीन है, बेंजीन में दूसरा और छठा कार्बन एक जैसा है ना, अभी का हमने ये दूसरा और सिक्स्थ कार्बन एक जैसा है, तो वो ये पीक मिल रही है उसकी यहाँ पर, उसके बाद में तीसरा और पांचवा कार्बन एक जैसा है, तो तीसरा और पांचवा एक जैसा है, इसकी एक पीक मिलेंगी, और एक चौथे कार्बन की पीक मिलेगी, सिंगलेट मिलेंगी, तो ये कितने लाइन्स, तीन लाइन्स मिल रहा है, हमने कहा आपसे कि ये तीन लाइन्स मिलेंगे, और चौथी लाइन्स किससे मिलेंगी आपको, ये पहले नंबर ही कार्बन से मिलेंगे, तो टोटल कितने लाइन्स मिलेंगी बेंजीन से, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन से फोर लाइन्स मिलेंगी, जो भी हमने देखा है, ये क्या है, इसे कहते हैं डिकपल, और कार्बोनिल का तो सिंगलेट मिलेगा, तो एक्चुअली स्पेक्ट्रा जो देखते हैं ना आजकल वो ये देखते हैं डिकपल स्पेक्ट्रा देखते हैं, ताकि ईजी होता है, अभी अगर इसको देखोगे आप दोनों में से कौन सा ईजी दिख रहा है आपको, नीचे का, क्यों, क्योंकि ये स्पेक्ट्रा में सिंगल लाइन्स है, और ईजीली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमने देखा है कि दो तरह के स्पेक्ट्रा है, प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा, प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये आपको आइडिया आ गया है, यस, तो इथाइल फिनाइल एसीटेट का एग्जांपल था, हम आगे देखेंगे और पॉइंट्स, देखिए हाँ, कि जो प्रोटॉन डिकपल्ड होता है
उसमें जे वैल्यूज तो रहेंगे नहीं, क्योंकि जब सिग्नल स्प्लिट ही नहीं हो रहा है तो जे वैल्यूज का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए जे वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या अवॉइड होती है इसका। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में डिस्कशन है, जब हमने डिस्कस किया है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट, लेकिन हमने जो डिस्कशन किया है वही उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। तो प्रोटॉन कपल्ड हमने देखा है, प्रोटॉन डिकपल्ड हमने स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया है अभी, लेकिन इसका हम और एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे कि प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रा क्या होता है। वो ये होता है कि कार्बन को जो अटैच्ड प्रोटॉन होते हैं वो उससे कभी क्या नहीं होता है, कपल नहीं होते हैं, और वो जितने भी कार्बन होते हैं, जितने भी टाइप से कार्बन होते हैं, उतने सिर्फ सिंगल लाइन्स हमको स्पेक्ट्रम में मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कार्बन डिकपल स्पेक्ट्रा। इसका इसने मैकेनिज्म भी दिया है, उसमें डिकपल होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जनरेटर जो डिकपलर का काम करता है, और वो कपलिंग को क्या करता है, डिकपल कर देता है और हमको सिंगल लाइन्स मिलती है, ये हम इसमें देखते हैं। ठीक है, That's all. So, figure 4.5 देखेंगे हम, जो कि एक और एग्जाम्पल है प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रम की। ठीक है, और उसमें हमको सेम आइडिया आएगा कि हाउ द कार्बन 13 स्पेक्ट्रम अपीयर एज ए सिंगल लाइन। ओके, देखिए अगर हम देखते हैं, ये देखिए बेस्ट एग्जाम्पल है, देखिए इसका नाम क्या है, प्रोपेन वनोल प्रोपेलन। इसमें तीन तरह के कार्बन है, CH2 वाला जो O को अटैच्ड है, ये CH2 और इसमें। अब मुझे बताइए कि ये डिकपल्ड है या नहीं, यस सर नो, यस। क्यों? क्योंकि CH2 और CH3 सबके सब सिंगल लाइंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि CH3 जो है अपने प्रोटॉन से कपल नहीं हो रहा है, ये इससे कपल नहीं हो रहा है और ये इससे कपल नहीं हो रहा है। ये भी एग्जाम्पल है, से वन प्रोपेनॉल का कार्बन 13 डिकपल स्पेक्ट्रा। तो हमको दो पॉइंट समझ में आए हैं कि प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा, प्रोटॉन डिकपल। लेकिन हमको इसमें देखिए आपको एक और पॉइंट सीखने को मिला है यहाँ पे, वो ये है, ये सिग्नल्स, ये जो है ये CDCl3 का सॉल्वेंट है जो कि ऑलमोस्ट 77 पे अपेयर होता है, इसको याद करना है। ये CDCl3 का सॉल्वेंट है जो कहाँ पे अपेयर होता है, ऑलमोस्ट 77 ppm पर अपेयर होता है। तो आप बताइए वो किस, बिकॉज ऑफ व्हाई इट इज अपीयरिंग एज ए ट्रिपलेट, कोई बताएगा आपने से? बोलिए। ये जो CDCl3 है वो इस कार्बन से, कार्बन का सिग्नल है क्योंकि CDCl3 में कार्बन होता है ना, यस, तो दैट सिग्नल इज बिकॉज ऑफ दैट कार्बन ऑफ CDCl3। बट व्हाई इट इज ट्रिपलेट, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है उसने, बट इफ यू थिंक यू कैन सी नो, देखिए द थ्री पीक पैटर्न centered at del 77 ppm is due to the solvent CDCl3. This pattern results from the coupling of deuterium. Now it is given here. जो CDCl3 को deuterium connected है ना, तो वो भी active होता है, वो भी क्या होता है, active होता है, इसलिए वो split होता है CDCl3. ठीक है, और CDCl3 का जो सिग्नल आता है कार्बन 13 में कहाँ आता है, 77 पार्ट्स पर मिलियन पे आता है, ये आप याद रखिए। लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स कि व्हाई दैट इज ट्रिपलेट, व्हाई इट इज ट्रिपलेट, ठीक है, व्हाई वो ट्रिपलेट क्यों है, वो ट्रिपलेट क्यों है, यस, तो कैन यू थिंक अबाउट इट, यस और नो, आप उसको सोच सकते हो, यस, तो याद रखिए हम आपको बताते हैं उसका रीजन। उसका रीजन ये है कि CDCl3 में व्हाट इज द रूल ऑफ कपलिंग, n+1 बराबर है n+1, एक्चुअली एक रूल जो है वो होता है 2n+1, एक्चुअली रूल क्या है, 2n+1 रूल है, अगर आप देखते हो देयर इज अ 2n+1 रूल, 2n+1 रूल, इनफैक्ट इट इज अ 2ni+1 रूल, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, 2ni+1 rule, 2ni+1 rule, 2n plus 2ni, I is capital I, what is I? I is the spin number, what is n? N is the number of attached other nuclei. तो मुझे बताओ CDCl3 में अगर आप इस कार्बन को, देखो क्लोरीन तो इनएक्टिव रहेगा, क्लोरीन इज इनएक्टिव बट ड्यूटेरियम इज एक्टिव, व्हाई, बिकॉज
ड्यूटेरियम की जो आय वैल्यू, आय स्पिन वैल्यू उसकी वन होती है, लिख लो आप फास्ट, बिकॉज ऑफ ड्यूटेरियम स्पिन वैल्यू इज वन। अब मुझे बताइए प्रोटॉन की कितनी होती है स्पिन वैल्यू, बोलिए फास्ट। हाफ, हाफ होती है, वेरी नाइस। और कार्बन 13 क्या होती है, बस आपको चार पांच याद करना है, उससे ज्यादा नहीं। कार्बन 13 की भी हाफ होती है, कार्बन 13 की भी हाफ होती है, प्रोटॉन की भी हाफ होती है, फ्लोरीन की भी हाफ होती है, ये तीनों की हाफ हाफ होती है, ड्यूटेरियम की वन होती है। आपको चार या पांच ही न्यूक्लियस से एनकाउंटर होंगे आपस, उसमें कार्बन 13 में प्रोटॉन और फ्लोरीन ये तीनों की हाफ हाफ है, ड्यूटेरियम की वन होती है। तो मुझे बताओ 2Ni+1 रूल अगर अप्लाई करते हैं तो CDCl3 में n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो। यस ठीक है, हम आपको और पॉइंट बताते हैं, हम रुक जाएंगे इसके बाद। कार्बन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CDCl, क्लोरोफॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अगर मुझे ड्यूटेरियम करना है तो आई हैव टू रिप्लेस हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम, तो CDCl3 हो गया। क्लोरीन का जो आई वैल्यू है वो जीरो है तो वो इनएक्टिव हो गया। तो मुझे बताओ कार्बन को CDCl3 में कितने एक्टिव न्यूक्लियर अटैच्ड है, 1, 2, 3, 4, 5 कितने अटैच्ड है। देखिए CDCl वन ओनली, यस दैट इज ड्यूटेरियम, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 2Ni+1, तो 2n 1, तो 2 × 1 × I की वैल्यू क्या है ड्यूटेरियम की, स्पिन नंबर, स्पिन वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 × 1 × 1+1 तो इक्वल टू क्या हो गया, यस नहीं समझ में आ रहा है, 3, दैट्स व्हाई ट्रिपलेट, दैट्स व्हाई ट्रिपलेट, ठीक है। तो एक्चुअली जितने भी प्रोटॉन्स है वो 2Ni+1 से ही स्प्लिट होते हैं, लेकिन हमको शॉर्ट में n+1 रूल दिया है, तो आपको दोनों याद रखना है। देखिए शॉर्टकट में n+1 रूल दिया है उन्होंने, लेकिन द ट्रू रूल जो है वो 2Ni+1 है। तो 2Ni+1 रूल क्यों है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, हम नेक्स्ट इसके बाद में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियर ओवर हाउजर इफेक्ट होता है, या न्यूक्लियर ओवर हाउजर एनहांसमेंट, NOE इफेक्ट, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली, सो वी विल स्टॉप नाउ। I will upload this lecture for you.